इस कलयुग में संत सतगुरु से मिलके वो नाम की प्राप्ति कर लें, जिससे हमें जीते जी सर्व सुख प्राप्त होने लगे। भैया किसी किसी के तो विचार ये सुनने को मिलते हैं, गुरुजी अभी हमारे माता जी पिताजी हैं, कोई ये कहता अभी हमारी शादी नहीं हुई है, ये भगवान की भक्ति ध्रुव प्रहलाद की तरह जब आप करेंगे तभी कुछ प्राप्त होगा। क्यों? बचपना तो खेल में जवानी में सोता रहा, अब बुढ़ापा देख के क्यों तू पगले रो रहा। बचपना तो खेल में निकाल दिया और जवानी में सोता रहा, अब बुढ़ापा देख के क्यों तू पगले रो रहा। इसलिए बुढ़ापे का जो समय है भैया, इससे सर्वप्रथम जवानी और उससे प्रथम बचपन। तो जैसी बचपना हमारा होता है, अगर उस समय कोई संत सतगुरु मिल जाए और वो नाम हम प्राप्त कर लें जिसका स्मरण भजन ध्यान करने से हमें जीते जी सर्व सुख मिल जाए। अगर हम बचपन में चूक गए तो जवानी में ले लें, और फिर बुढ़ापे पे कर लेंगे तो हमारे शरीर की इंद्रियां भी काम नहीं करेंगी, भजन कैसे बन जाए। हम तो साधना पे बैठ भी नहीं सकते फिर आ? अब जब घर के काम के ना तब नहीं, अब तुम ले लो नाम धाम, तब तो भगवान के काम के ना है। जब घर में कोई काम के ना रहे तब नहीं, पापा अब तुम दीक्षा ले लो, मम्मी अब तुम ले लो, अब का तुम लड़का ना तुम ब्याह कर ही ले, अब तो तुम फ्री हो, फ्री ना है, अब तो तुम्हारा खुद ही ब्याह होने वाले हो, अब काहे के तुम फ्री हो। इसलिए जिस कार्य को कर रहे हैं उसी समय हमें नाम युग साधना में नाम लेके, और वो गुरु जो जास नाम देते हैं, जास नाम सुमिरन इकवारा उतरे नर भव सिंधु पारा, वो नाम की प्राप्ति करने के बाद और हमें सर्व सुख मिल जाएंगे। सुमिरन इकवारा उतरे नर भव सिंधु पारा, तो कोई संत सतगुरु मिल जाए और जो भगवान तक आपको पहुंचाने का रास्ता बता सकें, आप उनसे मिलके और नाम एवं साधना में नामदान ले लें, घर पर अपने अपने भजन करते रहें। 24 घंटे में आपको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, आप उसमें से आधा एक घंटे भगवान के लिए नहीं निकाल सकते क्या? खेती का काम करते हैं, खलियान का करते हैं, दुकान का, मकान का, नौकरी का, दफ्तर का, उसी समय थोड़ा सा समय निकालें और थोड़ी देर बैठ के भगवान को याद कर लें, भगवान का स्मरण कर लें, भगवान को ध्यान कर लें, बहुत अति उत्तम रहेगा भैया। कल हम नंगला सेमर में पहुंचे तो वहां एक भक्त थे, वो कह रहे हम आज तक कहीं नहीं गए थे और पहली बार गए, और पहली बार में दीक्षा में शायद बैठे हो, खड़े हो जाना। हाँ देखो ये बालक हमसे कह रहे, कह रहे गुरु जी हम पहली बार गए थे वहाँ उस दिन, हम कभी कहीं सत्संग में ही नहीं गए, और हमारा ऐसा सौभाग्य था कि उसी दिन दीक्षा भी बटी। तो एक एक बार तो जब दीक्षा का आपने जो नियम बताया कि मेरा पसीना छूट गया, और कि फिर दोबारा से नामदान हमें मिल गया, अब तो अंतःकरण ही तर गया भैया। अब जिसका नामदान जैसे मिल गया फिर उसे क्या है, अब तो बस जपते रहो और इकट्ठा करते रहो, जपते रहो इकट्ठा करते रहो। इसलिए कोरोना जैसे बहुत कोरोना के बाप आएंगे, अभी वो तो बहुत छोटा था, अब अभी तक तो मनुष्य के लिए बीमारी भेजी गई, तब पशुओं में ऐसी बीमारी भेज दी गई है कि सब मेला बंद करा दिए हैं। पहले कथा भागवत बंद कराई थी, जो मेला थोगे ना सब मेला, पहले पुरुषों के मानव के मेला बंद कराए, अब पशुओं के मेला बंद हो गए। अब की बार फिर एक बीमारी आएगी जिसमें फिर मानव बंद कर दिए जाएंगे, और ये बीमारी का प्रकोप बहुत बड़ा प्रकोप होगा, क्योंकि सूरदास जी ने एक पुस्तक में लिखा है, जिसके घर पर सूरदास जी की पुस्तक को पढ़ लेना, कि सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे,
अकाल मृत जग माही व्यापे और प्रजा बहुत मरे। काल वाल से वही बचेगा जो थोड़ा सा हरि का ध्यान धरे और सूरदास ये हर की लीला टारे नहीं। किस किसने पढ़ा इसको? आपने? हाँ, आपने पढ़ा होगा, पुस्तक होगी। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सूरदास जी ने लिखा है कि संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। अभी संबत 2000 कितनी चल रही मालूम आपको? 79 चल रही है। तो 79 जो चल रही है, 78 भी निकली है कुछ दिन पहले, 79 अब केवल और केवल 21 वर्ष बाकी है 100 वर्ष का योग चढ़ने में। गुरुजी ने बताया कि नहीं बताया? जो गुरुजी बता गए तो वो वाणी गुरु की मिथ्या वाणी हो सकती है? हैं? संत वचन पत्थर के लीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए। जो खुद डॉक्टर थे कोरोना ने उनको भी नहीं छोड़ा। हम तुम चीज क्या, जो MBBS थे कोरोना ने उनको भी चपेट में ले लिया। मेरे डॉक्टर कोरोना ने धराई सही कर दिए। लाशें लोगों ने छुई नहीं, अपने बाप की मट्टी छुई नहीं, डर के मैं कि हमें कोरोना ना हो जाए। ऐसा प्रकृति का प्रकोप कैसे बच जाओगे? तभी तो कहा है कि संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे अकाल मृत्यु। अभी 10 दिन पहले ऐसी बारिश हुई थी कि बहुत लोगों के अकाल पड़ना शुरू हो जाएगा। इसी बारिश से धान के धान जमीन पे गिर गए, बाजरा जमीन पे गिर गए, मक्का खेतों में सुखाई जा रही तो वहीं जमी आई। अकाल मृत जग माही व्यापे और उस प्रजा बहुत मरे। थोड़ी बहुत प्रजा नहीं, प्रजा बहुत मरे। काल वाल से वही बचेगा कौन? जो थोड़ा सा हरि का ध्यान धरे और सूरदास ये हर की लीला टारे नहीं। फिर उन्होंने लिखा है कि सैस तो बरस लग सत्युग व्यापे। ये 432,000 का युग है कलयुग, 5,257 वर्ष निकल पाया है केवल कलयुग, और कितना है 432,000। उन्होंने कहा है 21 वर्ष जब पूर्ण ये है जो बची हैं, जो 100 वर्ष का योग चढ़ जाएगा तो सैस तो वर्ष लग सत्युग व्यापे। सैस वर्ष जानते हैं? 1000। सैस वर्ष लग सत्युग व्यापे, हर की दिशा फिरे। फिर एक बार हरि की दिशा हो जाएगी हर जगह, गांव गांव में सत्संग, घर घर में सत्संग, गांव गांव में मंदिर, गांव गांव में भक्त। सैस तो बरस लग सत्युग व्यापे, हर की दिशा फिरे और सूरदास ये हर की लीला टारे नहीं। टरे अभी लोग सोचते हैं कि महाराज जी तो मतलब से कह रहे कि नाम धन ले ली है। एक भी शिष्य हमारा कोरोना काल में चपेट में आया होता तो मैं उसी दिन अपने भी प्राण त्याग देता। और मैं भविष्य के लिए भी कहता हूँ, लाखों की बीमारी आ जाए, जो प्रेम प्राधाम सरकार से जुड़ गया उसके पड़ोस में भी कोई बीमारी घूम जाए तो मुझे बता देना कि महाराज जी बीमारी तो गई, निकल गई वो तोड़ते हुए, हमारा तो घर छोड़ गई, हमारा घर छूट गया। अभी शायद आपने सत्संग सुना होगा, बीच में पेशी संचालक के जो पेशी करते हैं उनका 3 मंजिल मकान है नाजरपुर में, उनके मकान पर ये आकाशीय बिजली गिरी थी और ये झंडी जो लोग कहते हैं कि झंडी लगा लेनी चाहिए प्रेमपुरा धाम सरकार की, वो झंडी लगी हुई थी। वो झंडी लगी तो बिजली आके जो झंडी सरिया में लगी थी उस झंडी पे गिरी, झंडी के 3 टुकड़े फाड़ दिए उसने और वो सरिया जिस ईंट में चिपकी थी उतना कोना नीचे जमीन पे गिरा। अगर वो झंडी ना लगी होती तो उस मकान की क्या दशा होती साहब? तब कहते हैं कि गले में कंठी पहनने से, छत पे झंडी लगाने से, गुरु का कुछ एक निशानी पहनने से वो अपने ऊपर ले लेता है, तुम्हारे ऊपर विशान चाहने वाली नहीं है। बोलिए प्रेम प्रधाम सरकार की जय हो। आप परेशान ना हो, आप आश्रम से जुड़ जाएं, मंगल को दीप चाले लें, आपको शांति का रास्ता बता देना।